नमस्कार नमस्कार, आज के वेबिनार में आप सबका स्वागत है। आज का जो वेबिनार है उसका हमारा विषय है संतरा और कीनू दोनों की खेती में प्रयोग होने वाली तकनीक और कैसे उसको हम सिंचाई द्वारा और प्रयोग कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं वो हैं श्री एम के कौल जी। डॉक्टर एम के कौल जो है इनका एक्सपीरियंस तो आप सभी जानते हैं और इनके बारे में हमें रिविलस की ओर से जो हमें मार्गदर्शन करेंगे उनका वर्मा जी, फूलचंद वर्मा जी, इनको भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वर्मा जी, आप प्लीज आज के विषय के बारे में और कौल जी के बारे में और बताइए। थैंक यू श्रुति जी, सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम इस मीटिंग से जुड़ने के लिए। मैं सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूँ रिविलस इरीगेशन की तरफ से। और आज मेरे साथ में एक महान हस्ती जुड़े हुए हैं, डॉक्टर एम के कौल साहब। एम के कौल साहब का परिचय देना सूरज को दिया दिखाने के समान है, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब के बारे में जो थोड़ा नहीं जानते मैं बता देता हूँ। नॉर्थ इंडिया के डॉक्टर साहब जाने माने साइंटिस्ट रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कृषि अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर पे अपने हाथों से किन्नू का पौधा लगा के और उसको बड़ा किया। लास्ट असाइनमेंट में एज ए गवर्नमेंट जॉब डायरेक्टर रिसर्च की पोस्ट से डॉक्टर साहब डॉक्टर एम के कौल रिटायर हुए हैं और प्रेजेंटली अपनी जो सेवाएं हैं वो एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर इफको फाउंडेशन के अंदर दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब से मेरा निवेदन रहेगा कि आपका अभी प्रेजेंटेशन हम करेंगे, उससे के साथ साथ में मैं मेरा भी आपको छोटा सा परिचय दे देता हूँ। हालांकि काफी आप में से जुड़े हुए किसान मेरे बारे में जानते होंगे। मेरा नाम फूलचंद वर्मा है और मैं एज ए सीनियर एग्रोनोमिस्ट रिविलस इरिगेशन इंडिया में कार्यरत हूँ। नॉर्थ इंडिया में देखता हूँ पूरा और मेरा लगभग 22 सालों का अनुभव है और मैंने भी लगभग 5 साल डॉक्टर कौल साहब के साथ में कार्य किया है। और अभी मैं थोड़ा सा मेरी जो कंपनी है रिविलस इरिगेशन इसके बारे में भी मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। वेलकम अगेन सभी किसान भाइयों का, रिविलस इरिगेशन स्वागत करता है। रिविलस ये नाम छोटा सा एक बार आपको थोड़ा सा लगता होगा ऐसे अटपटा सा, लेकिन जो रिविलस का मतलब है ये बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। जो एक स्मॉल स्ट्रीम जो धारा होती है पानी की या जो नदी होती है उसके ऊपर ये नाम रखा गया है। बेसिकली लैटिन शब्द है और नदी जो हम सबको जीवन देती है, हमारे पेड़ पौधों को जीवन देती है, तो उस जीवन या उस नदी के ऊपर ये जो नाम है रिविलस ये नाम रखा गया है। हमारा इतिहास मैं कहूंगा बहुत ही मजबूत और बहुत ही पुराना है। आप में से क्योंकि आप किन्नू ग्रोवर हैं तो काफी सारे आप में से शायद किसान भाई परिचित भी होंगे। प्लास्ट्रो इरिगेशन करके एक कंपनी थी पहले जिसका मर्जर हुआ है अभी, तो प्लास्ट्रो इरिगेशन, रोबर्ट इरिगेशन और टी सिस्टम्स, ये तीन कंपनियों को मिला के 2006 के अंदर जो जोनडियर ट्रैक्टर आता है उन्होंने एक नया जोनडियर वाटर के नाम से डिवीजन बनाया जिसमें इन तीन कंपनियों को उन्होंने मर्जर किया। और 2006 से लेके 2014 तक एज ये वाटर डिवीजन जोनडियर वाटर डिवीजन के नाम से रहा। उसके बाद में 2014 से ये वापस रिविलस, तो अभी इसका नाम है ये रिविलस इरिगेशन नाम हो गया। 2015 के अंदर
जय हिंद इंडस्ट्रीज है, इन्वेस्टर है, बिजनेसमैन है अपने इंडिया के, जिन्होंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया। और 2016 के अंदर हमने एक मन्ना इरिगेशन, ये भी बेसिकली इजराइल की कंपनी है, मन्ना इरिगेशन को हमने टेक ओवर किया। इसके अंदर ये एक स्मार्ट ऐप है जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि कितना पानी देना है, इसका मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि किन्नू के अंदर काफी किसान भाई इसको काम में भी ले रहे हैं। 2017 के अंदर हमने एक यूरोपियन कंट्रीज की कंपनी है यूरोड्रिप, उसको हमने मर्ज किया हमारे अंदर। 2019 में पॉली प्लास्टिक रशिया की कंपनी है जिसको जिसके साथ में हमने जॉइंट वेंचर किया वहां पे। और रिसेंटली लास्ट ईयर हमने टीमा से की एक सिंगापुर की बहुत बड़ी कंपनी है जिन्होंने इसके अंदर रिवुलिस के अंदर इन्वेस्ट किया है। तो मैं कहूंगा कि हमारे पास में बहुत सारी कंपनियों का मर्जर है और हमारा जो बैकग्राउंड प्लस जो हमारे इन्वेस्टर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। अगर मैं हमारा नेटवर्क की बात करूं, वर्ल्ड वाइड हम सेकंड है एज ए बिजनेस, अगर आप देखेंगे तो हमारी 16 फैक्ट्रीज है वर्ल्ड वाइड और 120 से भी ज्यादा देशों में हम काम कर रहे हैं। हमारे 3 R&D सेंटर है, R&D सेंटर एक हमारा US में है, इसके अलावा एक हमारा ग्रीस में है, एक इजराइल में है, जहाँ पे हम नए नए ड्रिप लाइन्स, नए नए ड्रिपर्स की रिसर्च चल रही है। और मैं कहूँगा आने वाले समय में ऐसी ड्रिप लाइन और ऐसे ड्रिपर आ रहे हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसके अलावा हमारे 4 डिजाइन सेंटर भी है, क्योंकि डिजाइन मेन पार्ट होता है, और स्पेशली अगर मैं ओर्चार्ड की बात करूँ तो वहाँ पे तो डिजाइन का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो हमारे डिजाइन सेंटर भी स्पेशल से पूरे वर्ल्ड वाइड 4 डिजाइन सेंटर है, जहाँ पे आप लोगों के सब किसान भाइयों के डिजाइन क्रॉस चेक होने के बाद आपके पास में आते हैं। वाइडेस्ट रेंज हमारे पास में है, क्योंकि इतनी सारी कंपनियों का मर्जर होने के बाद में हमारा जो प्रोडक्ट बास्केट है वो बहुत बड़ा है। सब तरह के ड्रिपर्स, मैं कहूंगा नॉन पीसी ऑनलाइन ड्रिपर के अंदर पीसी ड्रिपर्स हैं, पीसी एनडी ड्रिपर्स हैं, नोड रेंज जिनको कहते हैं। इसके अलावा ड्रिप लाइन्स में हमारे पास में बहुत बड़ी रेंज है, जिसमें थिन वॉल ड्रिप लाइन, उसमें ड्रिप लाइन भी है, ड्रिप टेप भी है। इसके अलावा मीडियम टू हैवी रेंज के अंदर हमारे पास में पूरी है रेंज है। पीसी ड्रिप के अंदर हमारे पास में पीसी है, पीसी एनडी है, इसके अलावा एक एंटी एस जिसको एंटी साइफन कहते हैं वो ड्रिप लाइन भी हमारे पास में है। ये कुछ थिन लाइन के प्रोडक्ट हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये मीडियम टू हैवी रेंज है, जिसमें मैं कहूँगा सबसे ज्यादा जो हमारे प्रोडक्ट चलते हैं इन लाइन जो सब्जियों में या नरमा कपास में जो हम लगाते हैं, हाइड्रोगोल और D2000, ये हमारे दो प्रोडक्ट है। हाइड्रोगोल ये गोल्ड ड्रिपर के अंदर आता है, और मैं कहूंगा ये प्रोडक्ट हमारा जैसे कोलगेट को कहते हैं ना, उसे भी टूथपेस्ट, उस तरह से ये हमारा प्रोडक्ट बिकता है जो हाइड्रोगोल है नाम से। और D2000 है ये चिप वाला जो बोलते हैं फ्लैट ड्रिपर के अंदर है, वेजिटेबल्स के अंदर इसको काम में लेते हैं। और D2000 जो है ये हमारा हाईली क्लोगिंग रेजिस्टेंस ड्रिपर है दुनिया का, यानी ये जल्दी से क्लोग नहीं होता, जल्दी से चोक नहीं होता है। इसके अलावा पीसी जो प्रेशर कंपनसेटेड ड्रिप लाइन्स की आप रेंज देखेंगे, इसके अंदर भी हमारे पास में बहुत बड़ी रेंज है, जो ग्रीन हाउस पोली हाउस वगैरह में अनरूलेटेड सोयल के अंदर हम इनको यूज में करते हैं। इसके अलावा हमारे पास में स्प्रिंकलर्स जेट्स की भी बहुत बड़ी रेंज है, और इसी तरह से हमारे पास में फिल्टर्स जो हम अलग अलग यूज करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी फिल्टर्स, इनकी पूरी रेंज हमारे पास में अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स, जो हाइड्रोलिक वाल्व्स आते हैं वो हमारे खुद के हैं, ले प्लेट वगैरह जो हैं। इसके अलावा जो एसेसरीज आप देख रहे हैं, हमारी एसेसरीज भी बहुत ही क्वालिटी की है। तो ये बाकी पोर्शन हम आगे लेंगे, क्योंकि अभी एक बार हम डॉक्टर साहब को सुनेंगे, डॉक्टर साहब का प्रेजेंटेशन पूरा देखेंगे। तो डॉक्टर कौल साहब से मेरा निवेदन रहेगा, सर आप जो हमारे किसान भाई जुड़े हुए हैं इनको आगे का प्रेजेंटेशन चालू करें। डॉक्टर कौल साहब, और सभी किसानों से निवेदन है कि आपको कुछ भी प्रश्न अगर सर से पूछने हैं, डॉक्टर कौल सर से आपको कुछ प्रश्न पूछने हो अगर, तो आप प्रेजेंटेशन के दौरान Q&A, नीचे Q&A जो लिखा है उसमें आपके प्रश्न टाइप कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद सर आपको आंसर करेंगे। और दूसरा, अगर आप खुद पूछना चाहते हैं तो आप रेज हैंड पे क्लिक करिए प्लीज। रेज हैंड पे क्लिक करने पे आपको हम यहाँ से एक अनम्यूट करेंगे, आप माइक पे अपने आप को अनम्यूट करके सर से
सीधे संवाद कर सकते हैं, डायरेक्टली अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डॉक्टर कौल सर प्लीज आप शुरुआत करें प्रेजेंटेशन की। कौल सर आप स्क्रीन शेयर कीजिए सर। कॉल सर आपका स्क्रीन शेयर करेंगे। कॉल सर कुछ तकनीकी जैसे कॉल सर यहाँ से लेफ्ट हो चुके हैं, कहीं मत जाइएगा, 2 मिनट में वो ज्वाइन हो जाएंगे। सर आपका ओके माइक हो गया। डॉक्टर कॉल सर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहें तो आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं अगर नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो, और आप प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हैं, आपकी आवाज हमें तब भी आएगी। आपके शायद थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है, तो आप सर अपना वीडियो ऑफ करके सर शेयर स्क्रीन करेंगे सर, पहले हम वीडियो कर सकते हैं। आई थिंक सर के थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है। ठीक है अभी मैं उनका कंपनी है आगे और मैं आपको प्रेजेंटेशन जो मेरी है उसके बारे में बता दूंगा। पहले मैं मेरे प्रेजेंटेशन के जो पार्ट है, एक तो होगा कि भाई किस कंडीशन से हम रह रहे हैं, जहाँ किनो ग्रो हो रहा है उन कंडीशन में हमारे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी क्वालिटी पे, उनकी यील्ड पे, क्लाइमेटिक इफेक्ट क्या है। उसके बाद दूसरे पार्ट को जो हम ले लेंगे वो ये है कि ड्रिप सिस्टम में हम कैसे जा सकते हैं आगे, क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ख्याल हमें रखना, कहाँ पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट जिस चीज़ पर हम वो देंगे कि जो कुछ फोटोग्राफ्स होंगे जहाँ हम दिखाएंगे आपको कि ड्रिप सिस्टम से कितना फ़र्क पड़ता है और यील्ड में कितना फर्क पड़ा। ये नहीं कि भाई हम कहेंगे भाई यील्ड बढ़ती है, यील्ड बढ़ती भी है वाकई, इस हिसाब से जो है मैं आपको ये सारा ये दूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई हमारा जो एग्रोक्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है कितना वेरिएशन है। तो अगर हम अपने एरिया की बात करेंगे, अपने यहाँ पे जहाँ किनो ग्रो नहीं गया, यहाँ पे हमारा क्लाइमेट जो है इसमें फ्रॉस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन हल्का सा आता है जिसको किनो बर्दाश्त कर लेता है कुछ हद तक। इरीगेशन की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए हमारे पास, और हमारी जो सॉइल है उसमें ड्रेनेज सिस्टम बहुत होना चाहिए। और ये जब कई जगहों पे हम देखते हैं ड्रेनेज जहाँ पे ठीक नहीं है वहाँ पौधे मरने शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ क्लाइमेट के साथ कई हम देखते हैं कि कई बार बहुत ज़बरदस्त ह्यूमिडिटी होती है, प्रेस्पिरेशन होती है, कई बार बिल्कुल नहीं होती, ड्राई क्लाइमेट हो जाता है एकदम। तो रात और दिन के टेम्परेचर में भी फर्क पड़ता है, और हाई एवेपरेशन वगैरह हो जाती है हमारे एरिया में। इवन टेम्परेचर अगर हम देखें सर्दियों में -0.5 तक भी चले जाता है, 0 डिग्री तक कई बार आता है, इस वो भी फर्क पड़ता है इसमें किनो की क्वालिटी में, किनो की डेवलपमेंट में। इसके साथ ही फ्रॉस्ट कंडीशंस में अगर हमारे पास सर्दियों में जब फ्रॉस्ट की कंडीशन आ जाती है और अगर जिस समय टेम्परेचर जो है लो हो जाएगा और ग्रोथ जो है रूट्स की भी और फ्रूट्स की दोनों की ग्रोथ कम हो जाती है, और ऐसी कंडीशन अगर कुछ देर तक रहती है ड्राई कंडीशन, तो हमारा जो है फ्लावर बड इंडक्शन मतलब फूल आना शुरू हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा दिसंबर में भी या नवंबर में या दिसंबर में ही हमारा फूल आना शुरू हो जाता है, चाहे खासतौर पर माल्टा क्योंकि वो टूट रहा था, और उसके बाद अगर इस तरह की कंडीशन आ जाती है यार हमने गलती से पानी दे दिया उसमें या बारिश आ गई उसमें, तो उसमें फ्लावर आना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही जो है इम्पैक्ट जो है हार्मफुल इम्पैक्ट हमारे प्रूनिंग में भी आता है। अगर हमने प्रूनिंग की और लो टेम्परेचर हमारे एकदम आ गए तो उसमें भी जो है ग्रोथ पे जो फर्क पड़ता है, क्योंकि नए ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी और अगर टेम्परेचर लो हो गए हमारे तो उसमें हमारा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा जो है जहाँ हाई टेम्परेचर हमारे आते हैं दोनों चीज़ों में हमारे ठीक है, क्योंकि लो टेम्परेचर जिस एरिया में हमारे पास सर्दियों में आता है उसमें क्वालिटी वगैरह पर बहुत अच्छा फर्क पड़ता है, लेकिन हाई टेम्परेचर जहाँ आते हैं वहाँ भी फर्क पड़ता है हमारे इसमें, और उसकी डेवलपमेंट में फर्क होता है।
लो टेम्परेचर में हमारा जो है किन्नो का फ्लेवर अच्छा होगा, साइज अच्छा हो जाता है, क्वालिटी अच्छी हो जाती है। जबकि यही चीज़ अगर लाइम और लेमन में हम देखें तो इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने चाहिए, ज़्यादा लो नहीं जाने चाहिए हमारे, इसीलिए हमारे एरिया में लाइम लेमन जो है कंपेटिबल कम यूज होते हैं। फ्लोरिंग का इम्पैक्ट क्या होता है, अगर हम फ्लोरिंग को देखें, हमारे जो है किन्नों में खासतौर पर तीन या चार फ्लशेज आते हैं, तीन फ्लशेज तो आते ही आते हैं, चार भी आ सकते हैं, पाँच तक भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि मौसम कैसा रहा है। अब हमारे जब टेम्परेचर हाई होते हैं, धूप सारा दिन बहुत ज़्यादा होती है, ये है अप्रैल मई जून के महीने में, इसमें आपने देखा होगा कि इसमें हमारी जो टहनियाँ हैं बहुत बड़ी हो जाती हैं, ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आप यहाँ के एरिया को कंपेयर कर लो होशियारपुर वगैरह से, तो आप देखोगे कि वहाँ पौधे बड़े छोटे रहते हैं, हमारे यहाँ पौधे बहुत बड़े होते हैं, हमले वगैरह जिसको हम कहते हैं हमले बन गए हैं। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, और आई थिंक कनेक्टिविटी की वजह से सर का थोड़ा कनेक्शन कट हो गया है। सर बहुत जल्दी आई थिंक हमको ज्वाइन करेंगे। कॉल कॉल सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप प्लीज बने रहिए। कॉल सर वापस आ गए हैं, वो भी वापस से अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे और प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे। हम बात कर रहे थे कि टेम्परेचर जब भी हमारे बहुत ज़्यादा हाई होंगे, मतलब 23 से 27 डिग्री तो आइडियल है, लेकिन 32-35 डिग्री तक तब भी ठीक रहता है। अगर उससे ज़्यादा हमारे टेम्परेचर बढ़ेंगे तो हमारी जो है रूट जो है ग्रोथ कम होती है, उसकी रूट ग्रोथ करना कम कर देती है, इसी तरह शूट्स की ग्रोथ करना भी कम। हाँ जी सर, थोड़ा सा आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सर। एक मिनट चेक करूँगा। तो ये हम बात ये कर रहे हैं कि टेम्परेचर जब भी बहुत ज्यादा कम होगा सर्दियों में, तब भी इसकी सेसेशन मतलब ग्रोथ नहीं होती, और जब टेम्परेचर हमारा 32-33-35 डिग्री से हाई होगा तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है हमारे प्लांट्स में। क्लाइमेट का जो है यील्ड पे भी फर्क पड़ता है। हम नॉर्मली ये कहते हैं कि जब फ्लावरिंग का टाइम है, फ्लावरिंग के टाइम पे अगर हमारे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चले जाए ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे चले जाए, या फ्लावरिंग के बाद भी अगर जब फ्रूट लगना शुरू हो जाता है उस स्टेज पे भी अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा नीचे टेम्परेचर चले जाए, उस स्टेज में भी हमारी यील्ड जो है, जार जो है हमारी किन्नों की कम आती है। कई बार फार्मर कहते हैं ये फूल तो बहुत आया था, उसके बाद जो है ये कम हो गया या गिर रहा है काफ़ी। कारण उसका गिरने का ये था कि अगर टेम्परेचर वेरिएशन हो गया
दिन रात के टेम्परेचर में वेरिएशन आ गया या टेम्परेचर बहुत बढ़ गए हैं उस टाइम पे जब फ्लावर आ रहा था या फ्रूट बन रहा था, तो सटनली उसमें ड्रॉपिंग होगी। क्वालिटी पे भी बहुत फर्क पड़ता है हमारे इसमें। अगर हमारे हॉट कंडीशंस हों, जब गर्मियां बहुत ज़्यादा होती हैं, हमारा इसमें फ्रूट का साइज भी ठीक बनता है, सरकमफ्रेंस भी ठीक होता है, मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो भी अच्छा बनता है और हैवी फ्रूट ठीक बनते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत हो रहा है, जहाँ हमें ये खूबियाँ देता है फ्रूट में, वहाँ ये नुकसान भी देता है कि जो छिलका हमारा होगा फल का वो मोटा होता है कई बार। अगर नाइट्रोजन लोगों ने, फार्मर ने किसी ने नाइट्रोजन वगैरह दिया है, ज़्यादा दिया है, तो सर्टनली नाइट्रोजन हाई कंटेंट भी उसमें बहुत ज़्यादा होगा, उसके नाइट्रोजन हाई कंटेंट के कारण जो है उसकी क्वालिटी में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। इसी तरह से कलर वगैरह जो हमारा, अगर हमारे टेम्परेचर्स वगैरह ठीक रहे सर्दियों में, हमारा कलर बहुत अच्छे से आ जाता है, फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, और जो TSS एसिड रेशियो है, जो मिठास और खटास का जो रेशियो है, वो भी बहुत अच्छा रहता है। इसी तरह से कई प्रॉब्लम हमारे जो आप आजकल देख भी रहे हो गर्मी में, सन बर्निंग की प्रॉब्लम काफ़ी आती है हमारे फल में। वो कारण यही है क्योंकि क्लाइमेट हमारा ऐसा होता है, टेम्परेचर हाई काफ़ी होता है, तो सन बर्निंग होती है। ये खासतौर पर ये सन बर्निंग जो है ये दक्षिण पश्चिम दिशा में ज़्यादा होगी, ज़्यादा दक्षिण में होगी, और दक्षिण पश्चिम में भी जो फल होगा उसमें भी स्लाइटली होगी। तेज़ आंधियाँ जब चलती हैं, जैसे अभी पीछे चली है हमारे यहाँ, तो उससे भी आप देखेंगे कि फ्रूट पर काफ़ी जो है निशान से पड़ जाते हैं आंधी चलने के कारण, और उसमें भी प्रॉब्लम। कई बार ये भी हो जाता है, जैसे आप ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई हो रही है और टेम्परेचर भी हाई है, तो कई बार ये अगस्त के आसपास जो है या जुलाई के एंड में ये फटना शुरू हो जाता है, तो इसकी जो या इवन जो तना है हमारा या शाखाएं हैं उसमें भी जो है गम निकलना शुरू हो जाता है, ये मई जून में शुरू हो जाता है, गोंद वगैरह घिसना शुरू हो जाएगा, काला पड़ना शुरू हो जाता है, तो उस चीज़ को भी हमें ये जो हमारी प्रॉब्लम है ये सब टेम्परेचर हाई के कारण। सनबर्न की खासतौर पर हमें ये ख्याल रखना है कि जब हमारा प्रूनिंग करें वो सिर्फ सर्दियों में करें, हम गर्मियों में हम कोई प्रूनिंग नहीं करें, क्योंकि जब हम प्रूनिंग से काटते हैं गुल्ले वगैरह के, उसे जो शेड देना था वो शेड हमारा ख़त्म हो जाता है और हमारे जो है सन बर्निंग की समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा जो है हमारे हीट इंजरीज भी होती हैं, कई बार जो है फल सूखता भी है, ड्राई मिलेगा, खासतौर पर मौसमी में आपने देखा होगा कि अगर थोड़ा सा हम हार्वेस्टिंग में डिले होती है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और पानी की कमी पड़ जाती है, तो हमारी ड्राइनेस बढ़नी शुरू हो जाती है, बार्क जो है जो छिलका है ऊपर इसका तने वगैरह का वो फटना शुरू हो जाता है, डिसकलरेशन हो जाती है स्किन की। इसी तरह से जो है अगर हाई टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पड़ रही हो, उससे दिक्कत आती है, रेडिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ ये बता दूँ, मैं ये देखिए नॉर्मली हम ये कहते हैं कि सर हमें गर्मियों में ट्रैक्टर कम से कम बाग में चलाना चाहिए। नॉर्मल किसान से अगर हम बात करें वो कहते हैं जी घास बहुत ज़्यादा हो गई थी तो इसको तो साफ़ करना जरूरी है। ऐसा मैं एक से बताऊं आपको, पौधे के नीचे का जो गमला है उसको साफ रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दो लाइनों के बीच की जो घास है उसको काटने की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत। अगर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है उसमें, मान लीजिए आपने पानी दिया था या बढ़ गई, तो आप उसमें एक ट्रैक्टर चलाने के बजाय एक पतरी सी बना लीजिए, ब्लेड सा उसमें बन जाता है, वो चला दीजिए दो तीन सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ के, उसके बाद आप उसको जो है वो चला दीजिएगा, तो ऊपर ऊपर की घास सारी कट जाएगी और ये कवर हो जाएगा। तो ज़रूरी हमारी ये है कि ट्रैक्टर ना चलाएं, क्योंकि ट्रैक्टर जब चलाएंगे खेत में आप, एक तो उसमें खुल जाएगा तो पानी की दिक्कत आ जाएगी, आपको पानी की कमी आएगी। दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी कि जो जब सूखेगी मिट्टी चलने के बाद आंधी आएगी, तो वो आपके पत्तों वगैरह पर जो गिरेगी मिट्टी, उस पत्तों पर मिट्टी गिरने के कारण क्या, हाई टेम्परेचर है, रेत है हमारे यहाँ पर, और उसके कारण जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है, उससे पत्तियाँ वगैरह जलने शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ टेम्परेचर ये चलाने से जो मिट्टी के अंदर का टेम्परेचर है, सॉइल के अंदर का टेम्परेचर है, वो काफ़ी जो है हमारा हाई चले जाता है। अगर बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए 40 है 42 है, तो मिट्टी के अंदर का टेम्परेचर जो है वो 52-55 तक चले जाता है, और ये टेम्परेचर हाई के कारण जो है रेडिएशन भी बहुत ज़्यादा निकल, जब रेडिएशन नीचे से ज़्यादा हाई होंगी तो सटनली हमारे पौधे में भी इफेक्ट पड़ता है, वो उसके पत्ते वगैरह झुलसने लगते हैं। तो इन चीज़ों का हमें दिमाग में होना चाहिए, ये चीज़ें प्रॉब्लम्स कम हो जाती है, कब होती है हमारे। अब ये देखिए मैं आपको एक दिखा देता हूँ, ये पौधा है, इसमें जो पत्तियाँ आप देख रही है टेम्परेचर हाई के कारण जो है ये जली हुई,
और रेडिएशन वगैरह हाई, क्योंकि ट्रैक्टर वगैरह बार बार चलाया गया है, और क्योंकि ट्रैक्टर चलाया पानी की दिक्कत आती है, तो पानी भी बार बार देते हैं, तो हाई टेम्परेचर और सोलर जब हाई हो हमारा तो हमारे इसमें फर्क पड़ता है। इसी तरह से ये जो मार्जिन आप देख रहे हो इसमें, यहाँ पर जो ये मार्जिन देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये भी हाई टेम्परेचर के कारण ही जले हैं। और फल के ऊपर आप देखेंगे जब ये तेज आंधी वगैरह चलती है तो ये इस तरह से जो है हमारे इसमें दाग वगैरह काफी पड़ जाते हैं, और उसमें थ्रिप्स वगैरह या माइट वगैरह भी काफी आती है, तो बिल्कुल फल जो है हमारा खराब हो जाता है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेज है, क्या बार है, और हमें क्या आना चाहिए, क्या करना चाहिए इसमें। तो हमें स्प्रे वगैरह उसके लिए वो देनी चाहिए, वो हम आगे चल के आपको बता देंगे कैसे देनी। अभी तो मैं ये बता रहा हूँ कि क्लाइमेट का हमारे फल वगैरह में, हमारे पौधे पे कितना इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह से मिट्टी भी जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। मिट्टी जो है उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, लेकिन अगर हमारे टेम्परेचर्स वगैरह हाई होंगे तो न्यूट्रिशन नहीं पूरा मिल पाता। मॉइस्चर कंडीशन हमारी पूरी होनी चाहिए। अगर हम बार बार ट्रैक्टर चलाएंगे खेत में तो सर्टनली मॉइस्चर हट उड़ जाएगा, तो हमें मॉइस्चर की कमी आएगी उसमें। इसके साथ साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी मिट्टी में होते हैं, जब हम खोलते हैं मिट्टी को तो सर्टनली डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी। अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जैसे पीएस भी हमने डाला था या कल्चर्स वगैरह डाले थे, ट्राइकोडर्मा डाला था, ये सारे खत्म हो जाते हैं। इवन अदरवाइज भी अगर हम ओपन में कल्चर्स डाल दें, वहाँ डायरेक्ट सनलाइट आने के बाद जो है कल्चर हमारा खत्म हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर हम यहाँ कल्चर खत्म ना करें, करने के लिए हम एक तो चलाएं ना इसको, और जितना हम कल्चर दें, चाहे वो वैम दे रहे हैं, चाहे पीएसबी कल्चर दे रहे हैं, चाहे सुडोमोनास दे रहे हैं, ट्राइकोडर्मा दे रहे हैं, ये हमें जो छतरी है पौधे की उसके नीचे जिस गमले में जो हमें देना है, बाहर नहीं होना चाहिए धूप। अब दूसरे इसके साथ जब ये चीज़ का हमें ख्याल रख, क्योंकि फर्टिगेशन पे हम ज़्यादा दे रहे हैं कि भाई फर्टिगेशन पे हमें जाना चाहिए, क्योंकि फर्टिगेशन हमारे लिए ज़रूरी इसलिए नहीं है कि भाई हमारे पास पानी बहुत है जितने से, फर्टिगेशन हमारे इसलिए ज़रूरी है कि जब ज़रूरत होगी तब हम पानी दे सकते हैं, जब हमें नहीं चाहिए तो तब पानी देने की ज़रूरत नहीं है। जबकि दूसरे केस में क्या होता है, जब खुला पानी होता है वहाँ जब हमारे पास नहर आएगी तब हम पानी देते हैं, और अगर 10 दिन में दोबारा आ गई तो हम दोबारा देते हैं, पता नहीं अगली बारी आएगी कि नहीं आएगी। तो फर्टिगेशन से हमारा क्या होगा कि एक तो बड की डेवलपमेंट अच्छी होगी, फूल और फ्रूट सेट दोनों अच्छे होंगे, यील्ड बढ़ेगी हमारे, क्योंकि जब चाहिए होगा तब पानी हम दे रहे हैं, साइज हमारा बढ़िया बनेगा। इसमें हम जो कई बार क्या होता है कि क्लोरोसिस हो, मतलब पत्तों में लगता है हमें कोई नाइट्रोजन जिंक की कमी आ गई या नाइट्रोजन की कमी आ गई, पोटाश की कमी आ गई, तो हम ड्रिप के थ्रू उसी टाइम उसके साथ इसको दे सकते हैं। साथ में जो है सर्दियों का टाइम है, थोड़ा हमें ये लग रहा है कि भाई जो है टेम्परेचर लो हो गया, फ्रॉस्ट वगैरह ना पड़े, तो उसमें आप ड्रिप सिस्टम को चला लीजिएगा, तो ये थोड़ी रेजिस्टेंस दे देगा कोल्ड वेदर के अगेंस्ट, तो हमारे फ्रॉस्ट वगैरह की समस्या से जो है हम बच जाएंगे। अब जब हम ड्रिप सिस्टम जब चलाएंगे तो हमारे पास ये होना चाहिए कि ड्रिप में हम पानी क्या दें। ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मली मैं देखता हूँ किसानों का, भाई उन्होंने ड्रिप लगाए हैं, पाँच पाँच सात सात ड्रिप लगाए, चाहे वो दो साल का है चाहे आठ साल का है, उन्होंने जो है 50-60 लीटर पानी या 35 लीटर पानी जो है उनका एक घंटे में चलता है, तो वो क्या करते हैं उसको 4-5 घंटे चला देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे पास बेसिकली ये होना चाहिए कि हमने कितना पानी देना है। ये जो चार्ट आपके पास आ रहा है इसको आप देख लीजिएगा, इसमें हमने दिया है एक साइड पर कि ये उम्र दी हुई है 1 साल 2 साल 3 साल, 9 साल और 10 साल या उससे बड़े पौधे जो हैं उनमें यही पानी जाएगा जो 9वें साल या 10वें साल में जाएगा। महीने दिए हमने, मार्च में कितना जाना चाहिए, अप्रैल में कितना जाना चाहिए। अगर हम यह देखें जून में सबसे ज़्यादा पानी हमें चाहिए होता है, चाहे वो 1 साल का पौधा है चाहे वो 9 साल का पौधा है, 180 लीटर हमें चाहिए। इसी तरह कम से कम पानी हमें जो चाहिए होता है वो जनवरी में चाहिए होता है। ज़्यादा जनवरी में जो हमने ये दी है कि क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने अगर उसको डॉर्मेंसी में लाना है, फ्लावर भी ठीक आ जाए, तो इसमें हम 2 या 3 बार ही सिर्फ एक हफ्ते में एक बार दे के 3 या 4 बार पानी देंगे, और पानी की क्वांटिटी सिर्फ उतना ही दी। अगर मान लीजिए हमें 2 लीटर पानी देना था और एक दिन छोड़ के एक दिन जो हमने लिखा यहाँ देना था, पर इस केस में हम क्या करेंगे, 2 दिन 2 लीटर पानी देके फिर 1 हफ्ते बाद फिर 2 लीटर ही देंगे पानी, उसके बाद तीसरे हफ्ते में भी 2 लीटर, चौथे हफ्ते मतलब पानी की मिनिमम क्वांटिटी हमने जनवरी में देनी। इसके साथ फिर ये है कि भाई फर्टिगेशन जब हम पानी देंगे तो सडनली हम जो फर्टिलाइजर देंगे वो खुला नहीं देंगे,
क्योंकि खुला फर्टिलाइजर देने का मतलब ये है कि वो तो पूरी जगह में बिखर जाएगा, पानी आपका एक लिमिटेड एरिया में जा रहा है, तो सर्टनली हमें जो पानी देंगे उसके साथ ही फर्टिलाइजर मिला के देंगे, वो फर्टिलाइजर देने हैं जो कि हमारे ड्रिप सिस्टम के लिए चलते हैं, ड्रिप सिस्टम में चल सकते हैं। तो हमें पानी को और फर्टिलाइजर्स को मिला के उसके बाद सिस्टम के थ्रू उसको चलाना है। अब इसमें ये देखेंगे कि जब ड्रिप सिस्टम जाएंगे इसमें एनपीके या जो भी रिकमेंडेशन होगी, और इसमें रिकमेंडेशन जितनी आपकी होंगी वो उसमें आपको लीफ का एनालिसिस, सॉइल का एनालिसिस ज़रूर करवाना चाहिए। लीफ का एनालिसिस तो हर साल होना चाहिए, सॉइल का एनालिसिस 3-4 साल में एक बार बहुत होता है, ताकि लीफ से आपको पता लगेगा कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। टोटल एरिया जब हम इरिगेशन देते हैं इसे ड्रिप से, 30% एरिया ही सिर्फ कवर होता है, जबकि जब हम खाद देंगे खुली खाद दे देंगे तो वो 30% एरिया से भी ज़्यादा बाहर जाएगा, तो हमें पूरी खाद नहीं मिलेगी। इसलिए हमें ड्रिप सिस्टम से देना ज़रूरी है, फर्टिगेशन करना ज़रूरी है। फर्टिगेशन हमें इससे भी ज़रूरी है क्योंकि पानी जहाँ पे होगा वहीं पे जड़ें भी है इसकी डेवलप हो जाएंगी ज़्यादा, और उसी हिसाब से जो है ये क्या नाम है फर्टिलाइज़र वगैरह भी ले लेगा और हमारा जो है सिस्टम पूरा काम करेगा। ये फर्टिलाइजर्स के नाम लिखे हुए हैं कौन कौन से हम दे सकते हैं। यूरिया हम दे सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली तो यूरिया चीपर पड़ता है हमें, लेकिन हम अमोनियम सल्फेट इसके लिए कहते हैं, ज़्यादा बेटर है जहाँ पे हमारी खास तौर पे पीएच वगैरह हाई हो और ईसी भी अगर हाई है, हम कहते हैं अमोनियम सल्फेट को यूज़ करना चाहिए रादर दैन यूरिया वगैरह का। बाकी जो सॉल्युबल फर्टिलाइजर है यूरिया है, पोटाश है, अमोनियम सल्फेट है, मोनो अमोनियम फॉस्फेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, फास्फोरिक एसिड को हम यूज़ कर सकते हैं फास्फोरस के लिए, मोनो पोटेशियम फास्फेट को यूज़ करते हैं 0-52-34 को, मोनो अमोनियम सल्फेट। नॉर्मली हम मोनो अमोनियम फास्फेट जो है इसको हम स्प्रे के लिए भी देते हैं, कि इसको स्प्रे भी कर सकते हैं आप 0-52-34। मोनो अमोनियम फास्फेट हम कर सकते हैं ड्रिप के थ्रू, यूरिया फास्फेट जो है ये भी ड्रिप के थ्रू हम इसमें कर सकते हैं। ये हमने दिया है इसमें कि इसमें पीएच कितनी होती है, इससे ये पता लगेगा कि हमें जो ईसी हमारी क्योंकि हाई है हम उसको डाउन करना चाहते हैं, जब हम इन फर्टिलाइजर्स को यूज करेंगे तो हमारी ईसी जो है लो साइड पे रहेगी। अब कई बार ये समस्या आती है, वो कहते हैं जब हम बोल रहे हैं तो ठीक तरह से गुला नहीं, तो ये हमने लिए हैं कि जो जो हमारे पास फर्टिलाइजर है अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम फॉस्फेट है फर्टिलाइजर, अगर हमें इनको घोलना है, अगर नॉर्मल पानी में हम घोलते हैं तो 1 लीटर पानी में हम 300 ग्राम के करीब इसको मिला देंगे तब जाके घुलेगा। ये नहीं कि 1 लीटर में हम जो है 500 ग्राम कर दे, आधा किलो इकट्ठे कर देंगे फिर कैसे घुलने रहा, तो एक क्वांटिटी पर्टिकुलर है जो हम नॉर्मल टेम्परेचर में करेंगे। और अगर हमारे पास थोड़ा सा गर्म पानी जैसे सर्दियों में है तो उस समय आप गर्म करके 20 डिग्री टेम्परेचर के आसपास या 50 डिग्री जैसे कैल्शियम नाइट्रेट में लिखा है 50 डिग्री के करीब होना चाहिए, तो इस स्टेज पे जो है आप इसको थोड़ा गर्म पानी करके इसको घोल दीजिए। क्वांटिटीज यही है, इसको आप नोट कर लीजिएगा पहले। तो थोड़ा सा हॉट अगर और करना पड़ेगा, भाई नहीं निकल रहा है ज़्यादा ठंडा है, तो इसको आप टेम्परेचर थोड़ा गर्म कर सकते हो और इतनी क्वांटिटी 1 लीटर पानी में घोल के फिर इसको आप ड्रिप सिस्टम के थ्रू चला लीजिए। फर्टिगेशन का शेड्यूल कैसे बन सकता है, एक तो हमारे सॉइल का स्टेटस पता होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स कितने रिमूव किए हैं फल ने वो पता होना चाहिए, वैरायटी कौन सी है जैसे किन्नु हमारे केस में, टारगेट यील्ड आपकी क्या होनी चाहिए, वो जो कि हमें पिछली बार कितना आया था आगे कितना चाहिए हमें, हमने न्यूट्रिशन क्या दिया, और ये इसके लिए लीफ का एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है हर साल। ऐसा नहीं है कि भाई एक साल हमने ले लिया, 4-5 साल तक लीजिए। डेंसिटी भी यहाँ क्योंकि ड्रिप सिस्टम हम लगा रहे हैं तो इसमें मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, पर ट्री जो है यील्ड कंपेरेटिवली कम होती है एज कम्पेयर टू जो खुला पानी। यहाँ किसान का यही होता है जी उसमें तो बहुत फल आ रहा है इसमें नहीं है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जब ड्रिप पे आप लगाओ आप डेंसिटी जो है पर यूनिट एरिया जो है ज़्यादा पौधे लगाओ आप, जैसे हमारे रिकमेंडेशन में जैसे यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन में है ये कि भाई आप 15x16 या 14x20 पे भी लगा सकते हैं, और आप 20x20 पे तो लगाते ही हैं नॉर्मली। इसके बेस पे मैं आपको दिखा दूंगा कि ये कैसे हमारे कितनी यील्ड बढ़ती है। अब देखिए यहाँ पे हमने 6 मीटर पर लगता है या 20x20 लगता है, यहाँ जब हमने 6 मीटर x3 मीटर पर लगाया है तो हमारी यील्ड जो आई है 326, जबकि 6x6 पे लगाया तो हमारी यील्ड आई है 156, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ पौधे जो थे 6x3 ज़्यादा थे, जबकि अगर हम ये देखें सिंगल ट्री में जो हमारी यील्ड आई है वो कोई ज़्यादा नहीं थी, सिंगल ट्री में यील्ड हमारी कम थी 343
6/3 में, जबकि 6/6 में जो सिंगल ट्री था उसमें 409, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ प्लांट ज्यादा इसमें लगे 6/3 में, तो सर्टनली इसकी यील्ड जो है ये 32 टन के करीब। इसी तरह ये स्प्रिंकलर हम क्योंकि नहीं करे उसमें भी यही है। स्प्रिंकलर और ड्रिप में सिर्फ मैं यहाँ एक चीज बताना चाहता हूँ, स्प्रिंकलर में हमारा पानी ज्यादा लगता है एज कम्पेयर टू ड्रिप। ड्रिप का पानी अगर हम कंपेयर कर ले फ्लड से शुरू के 5-7 साल में, तो हम कम से कम 20% से लेके और 40% तक, 90% तक भी, मतलब पहले साल दूसरे साल जो है 90% पानी हमारा बचता है। फिर उसके बाद आस्ता आस्ता पानी की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ती रहती है, लेकिन तब भी हमारा 20% पानी तब भी बचेगा ड्रिप सिस्टम में 10 साल या उससे बड़ा पौधा रहता है। लेकिन स्प्रिंकलर केस में हमारा पानी ज़्यादा लगता है, फ्लड से कंपेरेटिवली कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब ये देखिए जब हम लगाते हैं तो ये ड्रिपर्स, हम ये ड्रिपर्स को हमने जो लगाना है या तो लंबा लगा सकते हैं आप ड्रिपर्स जो है ये इस तरह सीधे लगा दीजिएगा, या फिर आप इसको लूप भी बना सकते हैं, लाइन आपने खींच ली और उसके बाद लूप बना दीजिएगा और ड्रिपर्स लगा। शुरू में नंबर ऑफ ड्रिप जो है नंबर ऑफ ड्रिपर्स कम होने चाहिए, 1 या 2 बहुत है, उसके बाद 4 साल के बाद आप 2 और बढ़ा दीजिए, फिर 6 साल पर 2 और बढ़ा दीजिए। इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा 14 ड्रिपर्स हमारे पास होने चाहिए, 56 लीटर के करीब पर आवर पानी हमें मिलना चाहिए, जिसमें आप देखेंगे बिल्कुल साफ ये है। ड्रिप जो है ड्रिप से दूरी भी होती है अगले स्लाइड पर। अब ये देखिए ये जो मैं दिखा रहा हूँ, एक तो जब पौधे हम नहीं लगाते हैं, एक तो स्टेक इसमें लगाना बहुत जरूरी है, और ये मेन पौधे से जो ड्रिप हमारे यहाँ जिस 2 ड्रिप लगाए हैं, तो ये कम से कम 1 फुट के करीब या 1.5 फुट के करीब दूर होने चाहिए, और ये 2 साल तक हम बड़े 2.5 साल 3 साल तक आराम से इसको चला सकते हैं पौधे को, क्योंकि कोशिश ये नहीं होती कि तने के पास पानी जाए, कोशिश ये होती कि जो जड़ें हैं ये हमारी नज़दीक आए पानी के, ताकि बाहर आए, जितनी जड़ बाहर आएगी उतनी प्रॉब्लम उसमें कम आएगी, उसमें प्रॉब्लम्स। इसके साथ साथ जब हम ड्रिप सिस्टम पर लगाते हैं नंबर ऑफ पौधे भी ज़्यादा लगा सकते हैं, इसमें हम डिफरेंट तरह के जैसे ये प्याज की हम देख रहे हैं, इसी तरह से अलग अलग बेल वाली सब्जियाँ लगा सकते हैं आप, टमाटर वगैरह, ये देखिए हमने रेज्ड बेड पर यहाँ दिखाया है, ये रेज्ड बेड पर ये टमाटर लगाए थे हमने, ये एरिया हमने जो दिखाया है यहाँ पर पहले हमने जो ये लगाए थे प्याज वगैरह वो काटे थे, उसमें ये दिखाया है कि इसमें दूरी कितनी होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई जो आप इंटरक्रॉप लगाते हैं बिल्कुल पौधों के नीचे जाए, वो पौधों से हटके रहे थोड़ा। इसी तरह से ये दिखाया है ये इंटरक्रॉपिंग की हुई है और पौधों से दूर है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और यहाँ भी अगर आप देखेंगे कोई पौधे पर नहीं चढ़ा, ये बेल वाली सब्जियाँ लगी हैं इसमें, इसमें पौधे पर कुछ नहीं चढ़े। अगर कई बार किसान क्या करते हैं कि वो उन गेहूँ कहते हैं जी 1-2 साल हम गेहूँ तो ले ले इतना हमारे पास है, हालांकि प्लानिंग हमें ये करनी चाहिए कि उतना ही ले ले जितने में हम बाग पानी दे सके आराम से, और कुछ पोर्शन अलग से, क्योंकि नंबर ऑफ प्लांट हमें ज़्यादा बनाते हैं इसमें लगाते हैं, डबल के करीब लगता है अगर हमने 10/20 पे लगाया, और अगर 15/20 पे लगाया तो 80-85% पौधे ज़्यादा लगते हैं। जब पौधे ज़्यादा लग गए तो हम कुछ एरिया हमें अपने खाने के लिए जो है वो रख देना चाहिए, लेकिन उसमें भी हमें ये दिखा रहे हैं ये ड्रिपर्स ये जो है इसमें फासला जरूर होना चाहिए, पौधे से दूरी होनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं 2 तरह के पौधे हैं इसमें, तो 6/6 मीटर के हैं, और ये पोर्शन जो है यहाँ आप देख रहे हैं ये हमने 6/3 मीटर पर लगाए थे पौधे। ऊपर जो पौधे थे इसमें 528 पौधे लगे थे, जबकि नॉर्मल में ये पौधे सिर्फ 256 इस वाले में आए हैं, और इस वाले में 528 आए। ये आप ड्रिप में देख लीजिए, ये 4th साल का प्लांट्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पौधा जो है ये 4th साल का, और कितना फल इसमें आया था, और रेगुलर ऐसा नहीं कि 1 ही साल आया था, रेगुलर फल ठीक आ रहा था। ये मैं आपको दिखाना, ये देखिए ये हमारा जो है पौधे, ये कम से कम 7 साल के करीब का था पौधे, ये 4 साल का ये था, ये मैंने एक फोटो दी है इसलिए ताकि कंपेयर हो जाए, और ये 7 साल का पौधे हैं जिनमें कि पूरा फल है भरा हुआ, ऐसा नहीं है कि फल नहीं था। ये 7 साल का पौधा वही ग्रोथ अप दिया है, इसको आप अगर देखेंगे बिल्कुल भरा हुआ है, तो ये पूरे फुल ग्रोन पिछले ये जो है 10 साल और उसका ऊपर ड्रिप सिस्टम पर पौधे जो चले, जिसमें डिस्टेंस था 6 मीटर/3 मीटर। ऐसा नहीं है, सिर्फ इसमें क्या करना पड़ेगा हमें कि अगर ये मिल जाते हैं बाद में, क्योंकि ड्रिप पे ही अगर आप चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर मिलते हैं तो हम इसकी प्रूनिंग वगैरह साइड प्रूनिंग कर सकते हैं। अब जब हम ड्रिप सिस्टम चलाते हैं तो उसमें मैं ये बता दूंगा आपको कि हमने इसमें ये भी देखा था कि इसमें जो फैलाव जो है पानी का वो कैसा रहता है। पानी का मैंने आपको बताया था कम से कम जो है पानी शुरू के केसेस में तो ये 3 पे
ये देखिए यहाँ पे हमने शुरू में जो पानी रखा था ये जो यहाँ रखा था हमने 1-1.5 फुट पे रखा था, उसके बाद ये बढ़ता गया और ये ड्रिपर जो हमारा जो लास्ट में हमने डिस्टेंस रखा था ये 3.5 फुट के करीब का था। अब जब हम इसका हर साल निकालते थे कि जड़ें कैसे आ रही है, ये ग्राफिक दिया, इसकी फोटोग्राफी दिखा दूंगा आपको। ज़्यादातर जड़ें जो है हमारी जो है वो यहाँ पे है गहराई में जो है ये 1.5 फुट के आसपास है, 1.5 से 2 फुट से 2.5 फुट से 2.5-3 फुट तक के करीब है। और यहाँ जो है ये फैलाव भी जो है 120 सेंटीमीटर तक, जबकि 90 सेंटीमीटर तक काफ़ी जड़ें थी, 75% से ज़्यादा 60 सेंटीमीटर तक ही रहती है। इसी को देखिए आप जब हमने प्रोफाइल काटा दे देखिए जहाँ जहाँ ड्रिपर्स थे हमारे उस हिसाब से ये पूरा जो है ये फैलाव इसमें आया, बीच बीच में गैप है, जहाँ पानी नहीं गया वहीं गैप आ जाता है, ये देखिए इस साइड पर भी इस साइड पर। इसी तरह यहाँ अगर आप देखेंगे जो ड्रिपर्स लगाए गए थे यहाँ भी गैप, नॉर्मली जो ड्रिपर लगने चाहिए वो इस तरह लगने चाहिए कि एक ड्रिप का पानी दूसरे ड्रिप के पानी में ओवरलैप करने चाहिए आपस में, ये आपस में सारा इस ओवरलैप करेंगे तो ये पूरा जो है ये ड्रिप या फसला ये जो हमारे तने जड़ें हैं ये पूरी तरह चलेंगी इसमें। अब ये देखिए जड़ें कितनी, इसमें जड़ें जो है ऑलमोस्ट गुच्छे की तरह आती है, ये देखिए कितना गुच्छे में है ये जड़ें, ये देखिए ये फिर उन्हीं एक का जो छोटी छोटी बारीक जड़ें हैं उनको हमने अलग करके देखा, ये है ये इसका देखिए ये जो एक साल में पूरा ये ऑलमोस्ट डीप जाता है 125 मीटर के करीब ड्रिप सिस्टम के अंदर भी, ऐसा नहीं कि ड्रिप सिस्टम के अंदर नहीं जाता, जबकि फ्लड में हमने देखा उसमें 8-10 महीने में जो है काफ़ी नीचे तक चले गया होता, लेकिन ये 125 मीटर से ज़्यादा 1 मीटर से ज़्यादा नहीं जाता, 1-1.25 मीटर तक आते हैं। ये इसका जाल देखिए कैसा फैला हुआ है फ्लड सिस्टम का, जबकि उसका मैंने आपको दिखाया था उसमें एक जगह पर जो है ये इसके साथ ही हम मैं ये बताऊंगा जो इससे हमारी प्रॉब्लम जो आ रही है मेन, वो मेन प्रॉब्लम हमारी आती है विल्टिंग की। आपने देखा होंगे पौधे जो है गर्मियों में मई जून में बिल्कुल ऐसा लगता है पत्ते छोड़ गए हैं, कान जिस तरह ढीला पड़ता है ना इस तरह पत्ते ढीले पड़ते हैं, ये विल्टिंग के कारण होता है। और ये मैंने आपको बताया हमारे टेम्परेचर जो बहुत हाई आ रहे हैं, और इसमें एक समस्या और भी आ रही है पिछले 2-3 साल से, खासतौर पर पिछले साल और इस साल भी नहर का पानी काफ़ी गंदा आता है। नहर का पानी क्योंकि गंदा आने के कारण क्या कि उसमें बैक्टीरिया फंगस वगैरह काफ़ी साथ में आते हैं जिसके कारण हमारे सॉइल में प्रॉब्लम आती है, तो इस चीज़ की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा, सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा इसकी तरफ कि पानी बिल्कुल ठीक आ जाए और इसको जो है आप दे सकते हैं। इसके लिए हम विल्टिंग अगर हमारे पास आती है और पत्ते छोड़े हैं उसने लेकिन हरे ही उसने पत्ते सूखे नहीं है, हरे अगर इस तरह से पत्ते हैं तो कोबाल्ट क्लोराइड 2 ग्राम 100 लीटर पानी के हिसाब से हम इसका स्प्रे कर सकते हैं, और उसके बाद सोडियम हाइपोक्लोराइड से इसको ट्रीट कर सकते हैं, और नीचे भी सोडियम हाइपोक्लोराइड भी हम दे देंगे और कोई 35 ml की 35 ml जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड नीचे भी देंगे, और 30 ग्राम जो है इसमें हम रिडोमिल बाद 2 दिन बाद दे देंगे। ये गमोसिस है, ये तनु पे भी और जो मोटी टहनियाँ उन पर भी है, जो अभी मैंने रिकमेंडेशन आपको बताई थी और आगे भी लिखी है मैंने कि इसको कंट्रोल करने के लिए, ये भी गमोसिस ही है, इसके लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड 5% का WAV जो है वो हमें 35 ml नीचे देने के लिए और 5 ml पर लीटर जो है स्प्रे करने के लिए, ये मोटे स्टेम्प है या मोटी मोटी टहनियाँ जो है उन पर हमें देना है। एक ख्याल हमें रखना है कि जब भी हम फ्लड सिस्टम में अगर हम खास तौर पर चलते हैं या कई बार ड्रिप में भी होता है, कुत्ते जो है उसमें काफ़ी मिट्टी वगैरह हटा देते हैं और डिप्रेशन बना देते हैं, इन डिप्रेशन को टाइम टू टाइम आपने ठीक करना है ताकि इसमें, क्योंकि जब भी पानी आप देंगे या खुला पानी दें या ड्रिप दे रहे हैं और अगर डिप्रेशन है उसके पास पानी इकट्ठा हो जाएगा तो ये डिजीज की वो ही हमारे कवर करेगा। और ड्रिप का पानी कोशिश ये करना चाहिए कि तने की तरफ नहीं जाना चाहिए, वैसे तो कोई भी पानी जाए क्योंकि हम ड्रिप की खास तौर पर बात कर रहे हैं तो ड्रिप का पानी तने की तरफ नहीं जाना चाहिए, ये तने से बाहर की तरफ आना चाहिए। ये देखिए जब तने के पास पानी जाता है और ये भर जाता है पानी तो पूरा पौधा हमारा खत्म हो जाता है, इसकी जड़ें बिल्कुल सूख गई, इसकी जड़ें भी मैं दिखा दूंगा आपको, ये देखिए ये पूरा पौधा जो सूख गया और ये जड़ें देखिए इसमें छिलका इसका ऑलमोस्ट सारा खत्म हो गया, तो इसलिए हमें इससे बचना है कि हमें ये देखिए ये जो इसको हम कॉलर रैट कहते हैं ये बिल्कुल गल गया, इसका छिलका गल गया, छिलके का कारण ये इसके भी छिलका गल गया, पौधा जो हमारा जो अभी दिखाया था आपको पूरा पौधा जो सूख गया। इसके अलावा ये तो थी कि किन चीज़ों की तरफ ये देना, इसके अलावा हमारे पास एक प्रॉब्लम और आती है वो है
जिसमें पत्ता जो है पत्ते जो है बिल्कुल पीले पड़ जाते हैं, एक ऐसा लगता है झाड़ू नुमा सा हो जाता है टहनिया। आधा पौधा तो हमारा हरा होता है, आधा पूरा पौधा जो है हमारा वो बिल्कुल पीला पड़ जाता है। ये गमोसिस की प्रॉब्लम है जिसको हम क्या नाम है इसका बैक्टीरिया की प्रॉब्लम है ये बेसिकली, जिस ग्रीनिंग डिजीज भी कहते हैं हम इसको, या ग्रीनिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं, उसके कारण ये होता है। ये इसमें अगर आप देखेंगे फल जो है अगर इसको आप काटेंगे तो इसमें बराबर बराबर सेंटर में नहीं, सेंटर में नहीं होता है ये, आप देखेंगे सेंटर में इसमें नहीं है, ये आधा पोर्शन तो पूरा फुल डेवलप है, आधा आधा डेवलप हुआ है, इसमें बीज वगैरह भी डेवलपिंग हुए होते हैं और हमारा फल खराब हो जाता है। पत्तों में इस तरह से धब्बे पड़ेंगे तो ये पता लगना चाहिए कि ये ग्रीनिंग डिजीज की वजह से। ये देखिए ये सिल्ला, ये जो ग्रीनिंग डिजीज है इसका कारण है ये सिट्रस सिल्ला, और ये सिल्ला के कारण जो है ये कीड़े वगैरह जो है सिट्रस सिल्ला का जो है, ये निम्फ है, ये कई बार कहते हैं सफेद चीनी सी दिखती है, ये एक्सक्रीटा होता है इसका जो मीठा होता है जिसके कारण पत्ते बाद में पीले पड़ जाते हैं, और ये सिल्ला है। सब ग्रीनिंग डिजीज जो हमारी है ये सिल्ला के एडल्ट के कारण आती है, इनके कारण नहीं आती। ये एग्लेइंग होती है, हम स्प्रे कहते हैं, सबसे पहला स्प्रे हमें जनवरी में कर देना चाहिए जब टान अभी नहीं आई होती, क्योंकि एग्लेइंग वगैरह से पहले जो फीमेल्स होती हैं वो एग्लेइंग उसके बाद शुरू करेंगी, अगर हम पहले स्प्रे करें ताकि कुछ हद तक जो है इंसेक्ट वगैरह खत्म हो जाए सिल्ला का। ये निम्फ है, अगर ये निम्फ है तो हमें बहुत ज़्यादा हाई इंसेक्टसाइड वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए नॉर्मल जो हम कहते हैं कि आप स्प्रे कर रोगर को आप कर सकते हैं, अगर रेगुलर यूज कर रहे हैं एक तारा को आप यूज कर सकते हैं आप इसके लिए, और इसकी स्प्रे दे सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा है तो एक तारा के साथ आप लेमडा को भी यूज कर सकते हैं, और अगर एडल्ट हमारे पास है तो इसके लिए जो है ये ग्रीनिंग डिजीज का कारण है, तो इसलिए हमें जो है ठीक तरह से स्प्रे वगैरह अच्छी होनी चाहिए। और स्प्रे में ये ख्याल रखिए कि सबसे पहले टॉप को स्प्रे हम करें और उसके बाद हम जो है नीचे बाकी हिस्से में कर लें, ताकि कीड़ा ऊपर ना चले जाए और उसके बाद फिर वापस नीचे आ जाए। और ये सिल्ला जो है पत्तों के पीछे होता है, जो आप देख रहे हैं पत्तों के पीछे सिल्ला होता है, ये भी इसी का ही है कि सिल्ला जो आया हुआ इस स्टेज पे हमें पता लगता है जबकि काफ़ी आया होता है। तो इसका ये है कि हमें सुबह के टाइम जरूर जाना चाहिए, और जब भी नया अपटान हो तब ये दिक्कत आएगी। ये और कीड़े भी हैं इसमें, सिट्रस सिल्ला है, एफिड है, लीफ माइनर है, सकिंग मॉथ होता है, थ्रिप्स भी हैं। ये थ्रिप्स जो मैंने आपको बताया था ये अप्रैल मई जून में ये काफ़ी ज़्यादा आता है, इसके कारण जो है दाग काफ़ी पड़ जाते हैं फल के जिसकी मार्केट वैल्यू खत्म हो जाती है। ये जिनके खुले खुला पानी दे रहे हैं या तो वो इस तरह से ये बना दें, या दूसरा तरीका ये कर लें कि ये मेड जो है ये इस रोग के सामने रखें और यहाँ भी एक मेड डाल दें और बीच में पानी दें, इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं, या इस तरह से ये बना दें और फिर पानी दें, ताकि तने को हमने मेन चीज़ ये है कि तने को हमने बचाना है। इसी तरह से ये स्मेल आती है, पहले हम एक तरीका करते थे कि इसमें अलसी का तेल और रीडो मिल देते थे, लेकिन ये ख़त्म किया है, इसकी जगह सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है वो रिकमेंडेशन में अब है, उसको करिए, उससे ज़्यादा जल्दी जो जो गोंद वगैरह आता था वो जल्दी सूख जाता है और हमारा पौधा जो है रिकवर करना शुरू होता है। और ये रिकवर करते समय ये पता लगता है इससे, ये जो साइड की ये आप लग रहे हैं ये इसके कारण ये लगता है हमें कि रिकवर, हालांकि पूरा रिकवर नहीं होता है, थोड़ा रह जाता है लेकिन रिकवर हो जाता है पौधा। इसी तरह सिट्रस कैंकर है, इस समय ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई है, ये काफ़ी ज़्यादा आ रही है और किसान ये कह रहे हैं कि कैंकर ख़त्म नहीं हुआ, ये चार स्प्रे कर रहे पांच। इसमें एक चीज़ बताऊं मैं यहाँ पर कि आपको जो देखना है पुराने पत्ते जिन पे कैंकर आया हुआ था उस पर ख़त्म नहीं होता, वो सप्रेस होगा उसके ऊपर, लेकिन नया प्लांट जरूर देख लीजिए, नए प्लांट पर तो नहीं आ रहा, अगर नए प्लांट पर नहीं आ रहा इसका मतलब आपको स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह से जो है ये भी गमोसिस का ही तरीका, पत्तों के ऊपर ये कई बार जो है गम सा ऊज आउट होता है जो गमोसिस की प्रॉब्लम है, इसको भी हम कवर कर सकते हैं, अपना हाइड्रो जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है उसका दे सकते हैं आप। ये बाकी इसमें नाइट्रोजन सिम्टम्स वगैरह ये दिए हुए हैं, मैं इसे फोटोग्राफ आपको दिखा दूंगा नाइट्रोजन, हालांकि एक ही सिम्टम कभी भी आपको पौधे पे नहीं मिलेगा, लेकिन इस तरह के पत्ते मिलेंगे आपको, इस तरह के भी पत्ते मिलेंगे, ये इस तरह से जो है ये बिल्कुल इस तरह के पौधे जो है ये आपको सिम्टम्स अलग मिलेंगे। जब आप खेत में फल तोड़ रहे हैं तो एक आध फल को तोड़ के आप देख लीजिएगा, अगर इस तरह से
बीज का पिथ वाला पोर्शन है फल का, इसका मतलब फास्फोरस की कमी है, इसका मतलब अगले साल आप फास्फोरस दे दीजिएगा, ऐसा तो नहीं है कि फास्फोरस नहीं दिया था। और अगर ये बिल्कुल बंद होते हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं आपस में, तो आपको फास्फोरस की कमी नहीं है, तो बहुत ज्यादा हाई फास्फोरस देने की जरूरत नहीं। ये देखिए ये डेफिशिएंसी है, इसी तरह ये फास्फोरस की डेफिशिएंसी में ऊपर भी आपको दिखेगा रफ सा लगेगा जो ऊपर ये फल लगते हैं। पोटाशियम के केस में जो कि ये पोटाशियम की डेफिशिएंसी की सिम्टम आजकल आप मिलेंगे कई भागों में है, इसमें आते हैं सिम्टम। इसी के कारण कई बार हमारा ये फल भी हम कहते हैं जुलाई अगस्त में जब आप कहेंगे फट रहा है, वो इसके कारण भी फट रहा है कि पोटाश की कमी। कई बार पत्ते जो है ये जो पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, हल्का मुड़ा हुआ था, वो भी पोटाश के डेफिशिएंसी के कारण होता है। पोटाश की डेफिशिएंसी के कारण आपका साइज का फर्क पड़ता है, इसीलिए 13045 की हम स्प्रे कहते हैं देने के लिए, ताकि आपका साइज वगैरह ठीक। इस साल जैसे फल लोगों की कंपेरेटिवली कम है, लेकिन अगर वो अपना साइज वगैरह फल का ठीक मेंटेन कर लें तो यील्ड पे फर्क पड़ेगा उससे। इसी तरह ये मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, इसमें ये उल्टे वी शेप जो अंग्रेजी होता है इस तरह का आता है, नॉर्मल ये तो नॉर्मल लीफ है, लाइट डेफिशिएंसी है। और इसी तरह से जो है मैंगनीज की डेफिशिएंसी में आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखेंगे, तो हमें मैंगनीज की डेफिशिएंसी सॉइल में हमारे मैंगनीज की काफ़ी डेफिशिएंसी आती है, तो हम मैंगनीज की खेत दे भी सकते हैं, लेकिन सॉइल में हमारे जिंक की डेफिशिएंसी नहीं आती, तो हमें सॉइल में जिंक देने की जरूरत नहीं। ये जिंक पत्तों में जो आता है जिंक डेफिशिएंसी, ये उसका देख लीजिए आप किस तरह है, और ये उसी की डेफिशिएंसी है जिंक डेफिशिएंसी के कारण। कॉपर की डेफिशिएंसी कई बार देखा होगा आपने, टहनियाँ जो है इस तरह इसमें कैंकर भी है, या कॉपर डेफिशिएंसी भी हम कहते हैं आई है इसमें, तो ये अगर ये जब भी आ जाए इसको काट देना चाहिए, उसके बाद कॉपर की जरूर बोरेक्स मिक्सचर की स्प्रे कर दीजिए कॉपर की। इसी आयरन की डेफिशिएंसी भी अगर आती है, तो इसमें ऐसा लगता है कि पतला बिल्कुल ये हो गया, ट्रांसपेरेंट बन गया लीक, तो इस तरह से अगर ये है तो ये कारण आता है। ये सारा था जो मैं लिमिटेड टाइम में आपको दे सका, हालांकि बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर, आपने काफी अच्छा, मैं कहूंगा कि बहुत ही कम समय के अंदर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अभी मैं इसको कंटिन्यू करते हुए, अपने जो ओरचार लगाते हैं इसके अंदर कौन से अपने प्रोडक्ट यूज करते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर जब हम जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, अलग अलग तरह के हमारे प्रोडक्ट हैं, मेनली जो पीसी नॉन पीसी दोनों तरह के ड्रिपर्स हमारे पास में अवेलेबल है, जो हम अगर पीसी में लेना है, दुनिया का सबसे छोटा ड्रिपर लेना है तो कतिफ के नाम से हमारा ड्रिपर आता है, नॉन पीसी में लेना है तो हमारे पास में E1000 के नाम से ड्रिपर है, और पीसी के अंदर तो हमारे पास में बहुत बड़ी रेंज है, जिसमें सुपर टिफ प्रोडक्ट भी हमारे पास में है, सुपर टिफ पीसी एनडी भी है, इसके अलावा हमारे पास में कोरोना पीसी और कोरोना पीसी एनडी, ये जो कोरोना चल रहा है ये वाला नहीं है जी, ये जो हमने यूरो ड्रिप को हायर किया है उनके ये प्रोडक्ट हैं कुछ, तो ये इस नाम से जो हमारे ब्रांड के नाम से आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी रेंज हमारे पास में इनकी अवेलेबल है। अभी सर ने भी जैसा अभी कहा कि मैक्सिमम आप 4 लीटर के 14 ड्रिपर लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि हमारे मन में, क्योंकि हम गंगानगर हनुमानगढ़ से जो ज्यादा बिलोंग करते हैं, हबोर से जो बिलोंग करते हैं, हमारे मन में ये रहती है कि साहब फुल भर के पानी नहीं, फुल भर के पानी, जब तक अच्छा पानी नहीं जाता ना हमको संतुष्टि नहीं मिलती, लेकिन या कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं कि बड़ा ड्रिपर होगा तो हमारा जल्दी से पानी लग जाएगा, ऐसी सोच हमारी गलत है।
ये मैंने 4 लीटर के ड्रिपर से और 8 लीटर के ड्रिपर से यहाँ पे कंपैरिजन किया है, आप देख सकते हैं आपका टाइम उतना ही लगेगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 5 हेक्टर 20 बीघा अगर हमारा खेत है, 4 बीघा 1 हेक्टर जो होता है, इसके अंदर मैंने वही लिया है, वही पौधे लिए हैं, 6-6 ड्रिपर लिए हैं दोनों के अंदर। यहाँ पे डिस्चार्ज 4 लीटर है, यहाँ पे 8 लीटर है, एक पौधे का यहाँ पे 24 लीटर डिस्चार्ज है, यहाँ पे 48 लीटर है, लेकिन जो कुल पानी बन रहा है वो यहाँ पे 1 लाख लीटर बन रहा है, और यहाँ पे क्योंकि 8 लीटर का ड्रिप है तो 2 लाख लीटर पानी बन रहा है लगभग। अब अगर हमारा पंप, चाहे आप कोई सा भी पंप यूज करते हैं, सोलर यूज करते हैं, मान लीजिए वो 20,000 लीटर पानी देता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमारी 5 शिफ्ट बनेगी और यहाँ पे हमारी 10 शिफ्ट बनेगी क्योंकि 20 लीटर है। तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए आपका टाइम उतना ही रहेगा, आपकी 5 शिफ्ट बनी है, आपको 1 घंटे पानी दे रहे हैं, तो 5 घंटे में आपका पानी लग जाएगा, 1-1 घंटे में उतना ही, और यहाँ पे 10 शिफ्ट बन रही है, तो क्योंकि यहाँ पे एरिया अपना बड़ा हो गया, पानी हमारा ज्यादा जा रहा है, पानी आपको मान लो 1 लाख लीटर ही देना है, तो सबको आप आधे आधे घंटे चलाएंगे तो भी आपके 5 घंटे ही आते हैं। तो इसलिए अगर हमारे मन में ऐसा है कि ज्यादा बड़ा ड्रिपर लेने से हमारे जल्दी जल्दी पानी लग जाएगा, तो कृपया आप ऐसा ना सोचे, ड्रिपर जो है सबसे छोटा ड्रिपर बेस्ट रहता है। सर का भी यही जो अनुभव है वो हमने सर से भी यही सीखा है, तो आप जितना कम डिस्चार्ज हो उतना ड्रिपर का डिस्चार्ज कम हमको रखना चाहिए। ये देखिए ये किन्नू के तो और चार्ट नहीं है, लेकिन अलग अलग मैं आपको सिस्टम बताता हूँ। इसमें डबल पैरेलल लाइन डाली हुई है, ये किन्नू का तो पौधा नहीं है, अनार का पौधा है, हमने जोधपुर के अंदर लगाया, आप देख रहे हैं कैसी मिट्टी है, तो यहाँ पे हमने इसमें 4 लीटर का ड्रिपर लगाया, तो 4 लीटर से पानी हमको देना है, पानी पौधे की जरूरत पूरी करनी है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो 8 लीटर या 12 लीटर 25 लीटर के ड्रिपर से ही पूरी हो, 4 लीटर के ड्रिपर से भी हम पूरी कर सकते हैं। दूसरा सिस्टम जो सर ने बताया था लूप सिस्टम, पिग टेल सिस्टम, आप इस तरह से भी ड्रिप जो है वो लगा सकते हैं। और तीसरा जो इनलाइन, आजकल मैं कहूंगा हमने संगरिया एरिया में, चौटाला एरिया में काफी सिस्टम लगाए हैं जिसमें हमने इनलाइन लगाई है 2 लीटर का, इवन हमने यहाँ पे कलर खेड़ा के पास में भी ये सिस्टम लगाया है जिसमें इनलाइन है, जिसके अंदर ड्रिपर होता है और उसका 2 लीटर डिस्चार्ज है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसका भी आप लूप भी बना सकते हैं, आपका बड़ा बाग है तो आप उसको पैरेलल दोनों तरफ भी इस तरह से डाल सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं जैसे ये ड्रिपर के साथ में है, डबल ड्रिप लाइन है दोनों तरफ डली हुई है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं। और जैसा सर ने कहा था कि यहाँ पे हमको पौधे के तने के पास में पानी नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे हमको हल्की जो मिट्टी है वो ऊपर रखनी होती है और जो ड्रिप लाइन है वो हमको साइड में रखनी होती है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं जो कतिफ ड्रिपर है यहाँ पे हमारा ये लगा हुआ है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, ये अपने किन्नू के फोटोग्राफ्स है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी ये जो दोनों तरफ इसमें है जो ड्रिप लाइन है वो दोनों तरफ डली हुई है ड्रिपर्स प्लेन लेटरल के साथ में। ये जो आप ज्यादातर जो मेरे हिसाब से आप पसंद करते हैं वो वाला ये सिस्टम लगा हुआ है, इसमें भी आप देख रहे हैं ये जो लूप सिस्टम या पिग टेल सिस्टम जिसको हम कहते हैं वो इस तरह से ये अपना बाग लगा हुआ है। ये मेड़ के ऊपर अपना बाग लगा हुआ है, जिसे सर ने भी बताया कि हमको कुछ मिट्टी में प्रॉब्लम हो या हमारा पानी खड़ा रहता हो खेत के अंदर, तो आप मेड़ बना के, जिसको हम बेड कहते हैं, आप बेड बना के भी इसमें जो है किन्नू लगा सकते हैं। ये हमने जो चौटाला एरिया में आशा खेड़ा के अंदर हमने लगभग 50 एकड़ के अंदर इनलाइन लगाई हुई है, उसी का ये फोटोग्राफ्स है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो इनलाइन है 2 लीटर डिस्चार्ज की है। अभी इसमें जितना आपका पौधे का घेरा होता जाएगा उतना हम इसको बड़ा ले सकते हैं, 5 मीटर 8 मीटर 10 मीटर, और हर एक फिट में इसमें ड्रिपर होता है। तो मान लो अगर हमने 8 मीटर का घेरा बनाया तो 1 मीटर में 3.25 ड्रिपर होते हैं, 8 मीटर का आपने घेरा बनाया तो लगभग 27 ड्रिपर आ जाते हैं, 1 ड्रिपर में से 2 लीटर पानी निकलता है, यानी 27 × 2 54 लीटर पानी जो है वो एक पौधे में जाता है। तो हम लगभग वही जो सर ने बताया, अल्टरनेट डे अगर 2-2.5 घंटे ड्रिप को चलाएंगे तो आपके जो पानी की पूर्ति है वो हो जाएगी। ये देख रहे हैं आप इस तरह से, इस पे आप फ्रूटिंग भी देख रहे हैं कि फ्रूटिंग भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि पानी की कोई इनके अंदर कमी आई है। इतना समझाने के बाद में भी अगर आपके मन में ये रहता है कि हमको बहुत बड़ा ही ड्रिपर चाहिए, तो हमारे पास में एक ये टोर्नाडो रेज करके प्रोडक्ट आता है,
इसके अंदर अलग अलग डिस्चार्ज के हैं, 25 लीटर भी है, 34 लीटर भी है, 55 लीटर भी है, क्योंकि कई जैसे पुराना बाग आप 15-20 साल का है, आप कहते हो जी नहीं मेरे को ड्रिपर नहीं चाहिए, मेरे को ड्रिप लाइन भी नहीं चाहिए, तो वहाँ पे ये जो जेट स्प्रेयर है ये भी हमने जो चौटाला एरिया यहाँ पे एक दो किसानों के लगाए हैं, इनका भी जो रिजल्ट है ओवरऑल ठीक है। सॉरी ये आगे हो गया, एक सेकेंड। ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से, इसमें ये 34 लीटर का एक लगा हुआ है और ये एक में तीन लगा देते हैं, तो आपका अगर बहुत पुराना बाग है, आपको पानी की कमी हो रही है, आप चाह रहे हैं कि उसको ड्रिप पे कन्वर्ट करना है, तो उसके अंदर आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। इसमें लगभग फिर हमारा जो एक घंटे का डिस्चार्ज है वो 100 लीटर बन जाएगा। ये जो टोर्नाडो रेजेट है उसकी खासियत है कि ये 300 डिग्री के अंदर आता है, तो इसमें से जो आपने पीछे देखा इस तरह से जेट निकलती है, और ये जो एक साइड में इसकी जेट नहीं निकलती है, तो वो साइड जो आपको है वो पौधे के तने की तरफ रखनी है ताकि तने के ऊपर आपका पानी ना गिरे। तो इस तरह के प्रोडक्ट भी हमारे पास में अवेलेबल है, अगर आप किसी को चाहिए तो मोस्ट वेलकम। आपका लास्ट के अंदर मैं मेरा नंबर शेयर करूंगा। और अब मैं आपको एक हमारी इंडिया के अंदर जो हमने पहली बार लॉन्च किया है मन्ना इरिगेशन, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड ऐप है जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि कितना हमको पानी देना है, हमें हमारी फसल को कितना पानी चाहिए। अभी जो कैलकुलेशन सर ने बताई उतना कैलकुलेशन करने को जरूरत नहीं है इसके अंदर। और ये जो ऐप है ये सैटेलाइट बेस होती है, इसके अंदर हम हमारे आपके खेत का कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, एल्टीट्यूड लेटीट्यूड, जो भी आपका खेत लगा हुआ है एल्टीट्यूड लेटीट्यूड लेके आपकी कब फ्लोरिंग हुई, कब आपकी टेंटेटिव हार्वेस्टिंग होगी फसल की, वो सारा डाटा लेके आपका ड्रिप सिस्टम किस तरह का लगा हुआ है, पौधे से पौधे की दूरी क्या है, लाइन से लाइन की दूरी क्या है, वो सारी डिटेल लेके और जो हमारा मास्टर सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हम इसको फीड कर देते हैं। तो इसके अंदर फिर वो जो सॉफ्टवेयर वो सैटेलाइट से कनेक्ट रहता है, तो सैटेलाइट से आपको इमेज भी मिलती है, प्लस सैटेलाइट से वो जो थर्मल इमेज उसके अंदर कैप्चर होती है, उस इमेज के द्वारा वो हमारे पौधे की ग्रोथ कैसी है वो देख के हमको ये बताता है कि आज हमको कितना पानी देना है। इसके अलावा हमारे पौधों की ग्रोथ कैसी चल रही है, जैसा आप इस फोटो में नीचे देख रहे हैं, इसके अंदर ये थर्मल इमेज है, इसमें अलग अलग पिक्सल्स के हिसाब से कलर रेटिंग रहती है कि आपका जहाँ पे ग्रोथ अच्छी है पानी सही से गया वहां पे अलग कलर एग्जिबिट होता है, जहाँ पे पानी कम जाता है जैसे इसमें जो ब्राउनिंग पार्ट दिख रहा है आपको, जहाँ पे पानी कम जाता है वहां पे ब्राउन दिखाता है। तो आपको इससे ये भी बेनिफिट होता है कि कहीं मान लो हमारा बड़ा एक दो मुरब्बे के अंदर बाग लगा हुआ है और 5 पौधों में पानी नहीं गया तो आपको वैसे पता नहीं लगेगा, लेकिन इसमें जो डेली इमेज आती है उसे हमको ये पता लग जाता है कि कहाँ पे पानी गया, कहाँ पे नहीं गया, कहाँ पे हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी हो रही है, कहाँ पे हमारे पौधों की ग्रोथ थोड़ी कम है। तो ये एक तरह का सॉफ्टवेयर बेस्ड जो है ऐप है, कोई इसके अंदर इंस्टॉलेशन नहीं होता है, कोई इसकी मेंटेनेंस नहीं है, कोई हार्डवेयर आपके खेत में नहीं लगता है, लाइट है नहीं है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल के अंदर लैपटॉप में डेस्कटॉप में जहां मर्जी आप इसको चला सकते हैं। एक आदमी आप एक चाहें, आप 10 में चाहें, आप 100 में चाहें, आपका यूजर नेम पासवर्ड बन के आता है, जहां मर्जी चाहें आप उसको जितनी जगह पे चाहें आप यूज कर सकते हैं। और मैं कहूंगा आप इस स्क्रीन का एक फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इन इन फसलों में हम जो है ये जो मन्ना इरिगेशन की सुविधा है कि कितना पानी देना है ये हम सर्विस इंडिया के अंदर दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि किन्नू के अंदर हम ये सर्विस दे रहे हैं, काफी किसान भाई जो हमारे रिवुलिस के जो कस्टमर है वो इसमें हमारे साथ में जुड़े हुए भी हैं, उनका फीडबैक भी अच्छा आ रहा है। आप में से भी कोई अगर किसान भाई इंटरेस्टेड है तो आपका मोस्ट वेलकम, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं लास्ट में आपके साथ में शेयर करूंगा, आप मेरे को अपनी क्यूरीज भेज सकते हैं मन्ना इरिगेशन के बारे में। तो थैंक यू सो मच, ये मेरा प्रेजेंटेशन था हमारा रिवुलिस का, ये मेरा नंबर है 9057906774, आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वर्मा जी। कुछ क्वेश्चंस हैं Q&A में। दीपक सर। हाँ जी हाँ जी सर, आवाज आ रही है। दीपक जी
वर्मा जी आपको हमारी आवाज आ लेते हैं अब हम श्रुति मैम। यस यस आपको आवाज आ रही है क्या हमारी? आ रही है। वर्मा सर आपको आ रही है? हाँ आ रही है। ठीक है श्रुति जी, सो क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं सर। क्यू एंड ए में क्वेश्चंस आए हैं। पहला क्वेश्चन है अभिरल जी का, वो बोल रहे हैं कि कीनू या संतरे का अगर साइज बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकते हैं? पॉल सर आप आंसर करना चाहेंगे? हाँ जी, साइज के लिए देखिए मैंने यही कहा आपको, साइज के लिए एक तो न्यूट्रिएंट जो हमने देना है इसमें वो हमें पता होना चाहिए हमें इतने न्यूट्रिएंट कितना देना था, और एक ही बार में कोई ट्रीटमेंट नहीं जाता। अब जैसे ड्रिप सिस्टम से आप देंगे, क्योंकि ड्रिप पे अगर हम चला रहे हैं तो हर वीक हम उसमें जो है फर्टिलाइजर देंगे, वो शेड्यूल पूरा उसका बनाते, और अगर फ्लड में है तो कम से कम 4 बार फर्टिलाइजर जाना चाहिए, नाइट्रोजन भी फॉस्फोरस भी पोटाश भी, डिपेंडिंग अपॉन की रिपोर्ट आपकी क्या है, सॉइल रिपोर्ट क्या है, तो उसी हिसाब से देखें। इसके अलावा जो हम साइज के लिए 13045 की स्प्रे भी कहते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट से पोटाश भी कहते हैं हम उसको करने के लिए, 0.24 की भी एक आध स्प्रे देते हैं नॉर्मली। अगर आप लोग एनालिसिस पार्ट अगर आपके पास है तो आप उसको इजीली कवर कर सकते हैं। ओके थैंक यू जी सर। एक और क्वेश्चन है कृष्ण जी का, कीनू में वाइट ग्रब की प्रॉब्लम आ रही है, ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? हाँ जी, वाइट ग्रब की प्रॉब्लम जो है कोई बहुत ज़बरदस्त नहीं है प्रॉब्लम कि भाई इससे पौधे मरें या ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसको ट्रीट करने का बेस्ट टाइम ये है कि मई के महीने में इसके जो एग्स हैच हो जाते हैं, मई एंडिंग में या जून के शुरू में, तो बेटर ये है कि मई या जून के महीने में हम इसको ट्रीटमेंट दे दें, चाहे क्लोरोपाइरीफॉस की दे दें या इमिडा की दे दें। लेकिन बेस्ट अगर हमें इसका इलाज ढूंढना है तो वो ये है कि वर्टिसिलियम और माइकोराइजा जो है इसका जो है हम ट्रीटमेंट दे दें इसको, ये काली चक्रा के नाम से भी आता है, तो इसको जो है आप 4 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से 10 लीटर पानी में गुड़ का घोल, जिसमें गुड़ 1.5 किलो के करीब गुड़ घोल दीजिए उसमें, और उसके बाद आप उसमें जो है जो कल काली चक्रा या वर्टिसिलियम माइक्राइजा ये डाल दीजिएगा आप, और 4-5 दिन तक सुबह शाम 2 मिनट तक हिला लीजिए इसको, और उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए आप जितने पौधों के लिए मिलाया था आपने उतने पौधों में डिस्ट्रीब्यूट करिए, उससे थोड़े ज़्यादा नहीं रहता क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं माइक्रो, तो आप अगर आपने 10 के लिए किया था तो आप 15 पौधों में भी दे सकते हैं बड़े आराम से। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन है सचिन जी का, वो एक्चुअली फर्टिलाइजर प्लान पूछना चाहते हैं, वो बोल रहे हैं प्लीज प्रोवाइड फर्टिलाइजर प्लान। आई थिंक ये क्वेश्चन सचिन जी, ये तो पूरा प्लान डिपेंड करेगा आपके एरिया पे, आपने कितना एकर लैंड है, क्या आपने यूज किया है, पर पॉल सर कुछ आप आंसर करना चाहेंगे इस क्वेश्चन को? आज फर्टिलाइजर मैंने आपको कहा ना फर्टिगेशन में हम जब फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो हमारे पास एनालिसिस होना जरूरी है कि उसमें नाइट्रोजन कितना था, अपटेक कितना किया, दिया कितना हमने, क्या क्या गया, उसी बेस पे हम हमारे पास शेड्यूल है, जैसे हमारे पास जो फॉरवर्ड जुड़े होते हैं उनको हम पूरा ड्रिप सिस्टम पे देते हैं या फ्लड पे देना, उसको एक पूरा प्लान बना कर देते हैं भाई ये फर्टिलाइजर आपके जाने के लिए, और वीकली बेसिस पे ड्रिप सिस्टम में देते हैं, डेली नहीं दे सकते हम उसको, तो वीकली बेसिस पे देखें, और ये फरवरी में शुरू होता है और ये जाके हो सकता है छोटे पौधे हैं तो ये अक्टूबर भी नवंबर तक भी चल सकता है, अदरवाइज सितंबर या अक्टूबर तक इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और इसमें एक चीज़ और बताऊं मैं कि जो फर्टिगेशन के थ्रू अगर हम फर्टिलाइजर देते हैं तो कम से कम 20-25% फर्टिलाइजर हम बचाते हैं इसमें, जो नॉर्मल केसेस में जो है ज़्यादा लगता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक हमारे पास रेज हैंड किया है सुशील जी ने, सुशील जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को प्लीज, माइक के बटन पे क्लिक करिए और अपना प्रश्न पूछिए, सीधे पूछिए सर से। सुशील जी आपको अनम्यूट करना है, माइक के बटन पे क्लिक करना है और सर से डायरेक्टली अपना प्रश्न पूछना है। चलो सर, इतने एक छोटा सा क्वेश्चन मैं भी पूछ लेता हूँ। आपने जो फाइटोस्टोरा में बताया ना सर, सोडियम हाइपोक्लोराइट, उसका घाव धोने के लिए कितना? ऐसा है, एक मिनट ये बता दूं मैं आपको, फाइटोपोथोरा के लिए नहीं बताया, गमोसिस की जहाँ प्रॉब्लम है
हालांकि गमोसिस इज अ पार्ट ऑफ फाइटोप्थोरा, लेकिन गमोसिस जहाँ है वहाँ के लिए, फाइटोप्थोरा के लिए तो रिडोमिल के ट्रीटमेंट या ट्राइकोडर्मा वगैरह पे जा सकते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? उसका कितना डोज लेना है सर पर लीटर वाटर घाव धोने के? अगर हमारे पास 5% W/V है सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो जो तने वगैरह पे और मेन ब्रांचेस में जो स्प्रे करेंगे हम, वो 5 ml पर लीटर है। और नीचे अगर कैनोपी में देना हमें ड्रेंचिंग करनी है, तो वो सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है वो 35 से 40 ml के करीब होना चाहिए, और 20 लीटर या 25 लीटर पानी में। 30 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दवाई कम से कम 35 लीटर 40 लीटर पानी, 40 ml पानी होना चाहिए, 35 ml से 40 ml पानी, ये हाइपोक्लोराइड। थैंक यू कॉल सर। एक एक और दिग्विजय सिंह जी हैं, वो अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह जी, आप कहाँ से हैं प्लीज वो बताइए और फिर अपना प्रश्न पूछे। सर जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, मैं श्री गंगानगर से हूँ। हाँ जी बोले बोले। मैं बाग लगाना चाहता हूँ, तो कितने दिन बाद में बाग लगा सकता हूँ? बारिश वगैरह हो गई आपके यहाँ? हाँ थोड़ी बहुत नॉर्मली है सर। आप कहाँ से बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बींज वाले के पास एक छोटा सा गांव है 56 LNP। अच्छा, आप बिल्कुल बारिश नहीं हुई अभी। अभी आप जो है ना कम से कम अगस्त का महीना जो है ये रुक गया, ये 20 अगस्त के बाद आप लगा सकते, तब तक शायद बारिश वगैरह हो भी जाए एक बार, तो आप उसमें बाग लगा सकते हैं। तब तक तैयारी प्यूरी करिए बाग लगाने के लिए, जो खड्डे खोदने थे यार ये अगर नहीं किया है तो इसको कर लीजिए तैयार आप, और उसमें फर्टिलाइजर देना पड़ेगा हमें, इसमें जो खड्डे खोदेंगे भरेंगे तो उसमें 50 किलो के करीब जो है गोबर की खाद, नीम के एक भी डाल सकते देना चाहें उसमें, प्लस इसमें अगर सुपर की कमी है एनालिसिस में तो सुपर भी हमें इसको कम से कम 3 बार 1 किलो के करीब पर किट के हिसाब से देना। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। जी सर, एक विश्वेंद्र जी का प्रश्न आया है, अगर हम कभी बाग में खुला पानी देना चाहे तो साल के किस महीने में दे सकते हैं, अगर बाग ड्रिप पर हो तो? ठीक ठीक ठीक, देखिए ड्रिप सिस्टम पे अगर बाग हो, ये नॉर्मली हम 2 कंडीशंस की वजह से देते हैं। एक तो ये है कि हमारी तसल्ली नहीं होगी, जबकि वर्मा जी ने अभी बताया कि पानी अच्छा खासा लगता है उन्होंने कंपेरिजन करके, लेकिन तब भी हम देते हैं। एक तो आप दिसंबर में लगाइए, दिसंबर में पानी लगाने के बाद आपको ड्रिप सिस्टम बंद कर देना है, 15 दिसंबर या 20 दिसंबर तक आप एक पानी सुला दे दीजिए, क्योंकि उसमें होता है पानी फार्मर के पास, दे दीजिए और पानी बंद कर दीजिए, और वो पानी आप उसके बाद जो चलाएंगे वो मार्च के शुरू में, या डिपेंड करता है कि उसमें कंडीशंस क्या थी, टेम्परेचर क्या रह रहा है, तब आप उसको दे देंगे, मतलब 2-2.5 महीने बंद होगा और वो पानी आपके पास स्टोर हो जाएगा आपके पास डिग्गी में। दूसरा पानी हम जो दे सकते हैं वो मई के एंड में या जून में दे सकते हैं, जब काफ़ी हाई टेम्परेचर है, अगर आपके पास है तो उस स्टेज पे आप दे सकते हैं। और ये एक जिनके ईसी हाई है, मतलब साल्ट की कंसंट्रेशन है, कंडक्टिविटी हाई है, तो वो जब खुला पानी देंगे तो साल्ट थोड़ा नीचे चले जाएंगे, तो उनकी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। हाँ जी, थैंक यू कॉल सर। तो अभी हमारे प्रश्न सभी खत्म हुए, और किसी के कोई प्रश्न है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, रेज हैंड पे क्लिक कर लीजिए प्लीज, नहीं तो सर डॉक्टर कॉल का और फूलचंद वर्मा जी का दोनों का नंबर यहाँ लास्ट स्लाइड में दिया जाएगा, अगर आपको कुछ भी प्रश्न पूछना है उनसे प्लीज टाइम लेके प्रश्न पूछ सकते हैं बाद में भी, और आप उनसे किसान ऐप पे भी जुड़ सकते हैं। जो लोग हमसे फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि किसान ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उससे आप अपने क्वेश्चन अपने प्रश्न डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं स्पीकर से, और आप और बहुत जानकारी पा सकते हैं। धन्यवाद। और हम वापस जुड़ेंगे 27 जुलाई को शाम 6 बजे, और एक हिंदी में वेबिनार है जो है शिमला मिर्च पे है, बूंद बूंद सिंचाई द्वारा रंगीन शिमला मिर्च की संरक्षित खेती, और उसके मार्गदर्शक है डॉक्टर सत्येंद्र यादव और श्री फूलचंद वर्मा जी। तो वापस मिलते हैं हम 27 जुलाई को शाम 6 बजे। मैं भी यहाँ पे आपके सामने आज के जो दोनों मार्गदर्शक है उन दोनों का ही
जो मोबाइल नंबर्स हैं उनके वो यहाँ पे दिए हैं, कृपया करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या आपके यहाँ पे लिख लीजिए और आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। धन्यवाद। Thank you.